Good morning, students. Today I am going to discuss the name two. The first one here in this name two is the input devices. Input devices में आप कोई भी input devices लिख सकते हो. और हम लोग का जो input devices है, input devices किस लिए use करते हैं हम लोग? Input devices is used to feed data into the computer. So any two examples you can write it down here. The first one I have written here mouse. M-O-U-S-E, mouse. Second it is keyboard. K-E-Y-B-O-A-R-D, keyboard. Mouse एक pointing device भी है और keyboard क्या है? एक typing device है. Second number it is hardwares. Hardwares क्या होता है? ऐसे physical components computer के जिसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं. दे आर नोन एज द हार्डवेयर्स. यू कैन राइट एनी टू हार्डवेयर यू सी ऑन योर कंप्यूटर. दैट इज आई हैव रिटन हियर मॉनिटर एंड सीपीयू. मॉनिटर इट डिस्प्लेस द आउटपुट एंड द सीपीयू इज इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोसेसिंग डिवाइस. द थर्ड वन हियर कम्स द सॉफ्टवेयर्स. कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि जिनकी हेल्प से कंप्यूटर हमारा क्या करता है? रन करता है. अगर ये सॉफ्टवेयर्स नहीं होंगे तो हम लोग कंप्यूटर पे कोई भी काम नहीं कर सकेंगे. सो एनी टू सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एनी अदर सॉफ्टवेयर्स यू कैन राइट एनी ऑपरेटिंग. आई हैव रिटन हियर टू, दैट इज लिनक्स एंड सेकेंड वन हियर इट इज द यूनिक्स. LINUX, लिनक्स. And second one it is the Unix, UNIX, Unix. Now the fourth one here it is the third we have seen. Now fourth one, storage devices. Storage devices का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से किचन का कुछ सामान होता है उसे हम क्या करते हैं? जैसे कि टी लीव्स दैट वी स्टोर इन अ कंटेनर. इन द सेम वे अगर कोई भी डेटा या फिर कोई इंफॉर्मेशन है जिसे हम क्या करके रखना चाहते हैं? स्टोर करके रखना चाहते हैं. दैट वी स्टोर इट इन अ स्टोरेज डिवाइसेस एंड दैट इज नोन एज द दैट इज ओनली इन कंप्यूटर इट इज नोन एज द स्टोरेज डिवाइसेस. सो इन स्टोरेज डिवाइसेज यू कैन राइट लाइक पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क. देर आर मेनी. आई हैव रिटन ओनली टू हेयर. दैट इज द सीडी, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क. And second it is DVD, that is digital versatile disk. Fifth number, parts of CPU. There are various parts of CPU. I have written only two here. There are three parts of CPU. You have to write only two here. ALU is there, MU, CU. So I have written only CU and MU. That is CU, control unit, and B it is MU, that is memory unit. Control unit, it controls all the functioning, and the memory unit, it's tells about the spaces to store the variables or the data. Sixth number comes the components of a desktop. What is the meaning of the components of a desktop? Components of a desktop का मतलब होता है यानी जो desktop है हमारा उस पर कौन कौन सी चीजें रहती हैं, वो किस चीज से बना होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी. So there are various components. You have to write only two here. First one here it is the icons. Now what is this icons? Now these icons are the small pictures or the images that you see on your desktop. जो क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है या फिर किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट भी होता है वहां पे. और क्या होता है, उसी से आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रोग्राम में आप एक्सेस ले सकते हो. बी इट इज द वॉलपेपर. You all know this wallpaper. जिस तरीके से हम लोग अपने मोबाइल में वॉलपेपर सेट करते हैं, या तो वो हमारा पिक्चर्स हो सकता है या फिर कोई सीनरी हो सकता है. एनी इट कैन बी एनी पिक्चर्स इट कैन बी. इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो चेंज दिस वॉलपेपर इन योर कंप्यूटर ऑल्सो. आप अपना खुद का इमेज लगा सकते हो या फिर कोई आप सीनरी है आपके पास या फिर कोई नेचुरल व्यूज है, नेचुरल फोटोज है या फिर कोई भी पिक्चर से कहीं का, आप उसे क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो एज अ वॉलपेपर. सेवेंथ वन इट इज द वर्किंग मोड्स.
Now the computer works on the modes, various modes. The first one, it is the normal mode, and second it is the safe mode. Now what is this? Normal यानी normal mode होता है जिसमें कि computer directly क्या हो जाता है, on हो जाता है. Now second it is the safe mode. Safe mode क्या होता है? जितने भी हमारे essential files होते हैं उसके साथ में क्या करते हैं, कभी by the way हमारे system क्या होता है अच्छे से work नहीं कर रहा है तब भी हम लोग अपने सिस्टम को क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को सेफ मोड में क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल या लोड कर सकते हैं और सिस्टम को ऑन कर सकते हैं. यानी सेफ मोड में क्या होगा, सारी फाइल्स नहीं लेकिन जितने भी एसेंशियल फाइल्स होते हैं रिलेटेड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम वो साथ में क्या हो जाएगा, इसके लोड हो जाएगा. एट नंबर इट इज यूजेस ऑफ इंटरनेट. यूजेस ऑफ इंटरनेट का मतलब क्या होता है, यानी इंटरनेट का यूज करके आप कौन कौन से काम को आप कर सकते हो. अब कौन कौन से काम को कर सकते हैं, आजकल सारे वर्क आप देख सकते हो कि आप किससे कर रहे हो, विद द यूज ऑफ द इंटरनेट ओनली. दैट मीन्स यू कैन डू वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क यूजिंग द इंटरनेट एंड द मोस्ट कॉमन इट इज द ऑनलाइन शॉपिंग. मोस्ट ऑफ अस डू द ऑनलाइन शॉपिंग विद द यूज ऑफ द इंटरनेट. कोई भी चीज मंगाना है या तो फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से या फिर मिंत्रा से हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन घर बैठे ही क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं एंड वी गेट एट आवर होम. बी इट इज ऑनलाइन बैंकिंग. ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसे भी हम लोग क्या करते हैं, घर में बैठे अपने सिस्टम या फिर कंप्यूटर से या फिर अपने मोबाइल से कर सकते हैं. नाइन्थ इट इज वेब ब्राउजर्स. वेब ब्राउजर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी चीज आप एक्सेस करना चाहते हो नेट पे तो हम लोग को उसके लिए क्या चाहिए होगा, यू हैव क्या वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी. विदाउट इट वी कैन नॉट सर्च ऑन एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. सो द फर्स्ट वन इट इज द ओपेरा. यू कैन राइट एनी वेब ब्राउजर हियर. देर आर मेनी वेब ब्राउजर्स लाइक गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्रेव, मेनी आर देयर. Opera and Safari. Last one comes the basic terms of internet. Now what is the basic terms of internet? The terms which are basically used or the common terms which are used in the internet. The first one here it is the web home page. Sorry, the first one here it is the home page. नाउ वॉट इज दी होम पेज. जो पहला पेज, जैसे आप किसी भी साइट को ओपन करते हो तो आपको जो पहला पेज दिखाई देता है दैट इज नोन एज दी होम पेज. बी नंबर इट इज वेबसाइट. अब नाउ द सेकेंड वन कम्स दी वेबसाइट. अब वेबसाइट क्या होता है, बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, वेबसाइट. Now what is the collection of web pages? Now what is web pages? Web pages होता है जिसमें कि आपका जो information है वो videos, audios, images के form में दिखाई देता है, that is known as the web pages. So what you have to do is you have to learn this and you have to write it down in your classwork copy. That's all for today. Thank you.